सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम सत्य वचन में। जी हाँ, इस कार्यक्रम में हम देश विदेश में होने वाले समसामयिक घटना को अपने अंदाज में चर्चा करते हैं। तो आज सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में दो विषय की बड़ी चर्चा है, रूस यूक्रेन युद्ध और दूसरा द फिल्म कश्मीर फाइल के बारे में। और ये दोनों ही घटनाएं को आप गौर से देखेंगे तो उसका कारण आपको एक नजर आएगा। जैसे आप सभी को पता है कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और उसके बाद यूक्रेन, उस 15 देश जो अलग हुए उसमें यूक्रेन भी एक देश था, और उस समय यूक्रेन दुनिया के तीसरा आणविक संपन्न देश हुआ करता था। लेकिन किसी कारणवश उसने अपनी शक्ति को घटाया, जिसके परिणाम आज आप देख रहे हैं कि उसके साथ क्या हो रहा है। आप शक्ति को घटा लिए और फिर आप दूसरे के शक्ति के भरोसे आप एक महाशक्ति से लड़ने चले, तो उसका परिणाम हम सब आदमी देख रहे हैं। दूसरा, आप जब फिल्म देखते हैं द कश्मीर फाइल, तो जब आप देख के निकलते हैं तो उसमें आपको क्या लगता है कि कश्मीरियों को वहां से मार के निकाल दिया गया। निश्चित रूप से आप एक संप्रदाय विशेष के प्रति आपको नफरत होता है और आप पूरा दोष आप एक विशेष कौम को देते हैं। हम मानते हैं कि वो दोषी होगा, लेकिन आप इस बात को क्यों भूल रहे हैं? क्या वो पलायन पहली बार हुआ था? उससे पहले भी पलायन हुआ था, उसके बाद भी हुआ है। और वो घटना क्या अंतिम घटना था? यदि आप अपने देश की संस्कृति यानी सनातन संस्कृति के 1000 सालों को देखें, तो बहुतों बार हम लोग के साथ क्या हुआ है? क्या हम लोग को अंग्रेजों ने नहीं रौंदा? प्लासी के युद्ध में आप जानते हैं कि क्या हुआ था, अंग्रेजों की एक छोटी सेना ने हिंदू एक बहुत बड़ी सेना को परास्त किया था। अफगानियों ने रौदा है, डचों ने रौदा है, पुर्तगालियों ने रौदा है। तो यदि आप इन तथ्यों को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ तो खासियत है, कुछ तो खूबियां हैं हम लोगों में, जो कि इतने सारे आक्रमणकारियों को हम लोगों से प्यार है और बड़ी बार बार हम लोग को रौद के चला जाता है। जब हम ये बात बोल रहे होंगे तो निश्चित रूप से आप पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी महाराज और गुप्त वंश के शासनकाल को आप कह रहे होंगे कि वो तो शासनकाल बहुत ही स्वर्णिम शासनकाल था। तो मेरा मानना है कि इसको आप अपवाद मानिए, क्योंकि आप अपवादों को बता करके आप तथ्यों को झुठला नहीं सकते। तो जब इन कारणों को हम देखते हैं तो क्या कारण है कि इतने आक्रमणकारियों ने हम लोग को बार बार रौदा? तो यदि आध्यात्मिक दृष्टि से हम देखें तो मनुष्य के दो केंद्र होते हैं, एक पशुता का केंद्र, पशुता का भाव, देह का भाव, और दूसरा चेतना का भाव। यानी इस दो भाव में ही आप मनुष्य इंक्लाइन होता है। यदि पशुता का भाव है यानी शारीरिक शक्ति का भाव, आप एक अपराधी को देखिए, उसमें एक जानवर को देखिए जो केवल देह भाव है, उसमें कितना शक्ति होता है। आप चंगेज खान को याद कीजिए, बड़ी शक्तिशाली था, क्या किया था, पूरे एशिया को जीत लिया था और पता नहीं कितने बच्चों और औरतों का उसने क्या किया, हत्या किया था, निर्मम हत्या किया था। तो एक बल का केंद्र कौन है? ताकत, देह का भाव, प्रकृति का भाव, और दूसरा एक चेतना का भाव। और चेतना का भाव में आत्मबल है। और निश्चित रूप से आप याद रखिए कि चेतना का भाव यानी आत्मबल में पशुता के भाव से कई गुना ज्यादा बल है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है हम सनातनियों का, ये आप जानिए। हमारा जो ऋषि परंपरा है, हमारे जो त्योहार है, हमारा जो बोलचाल है, उसमें चेतना का भाव छुपा हुआ है।
और हजारों साल से हम चेतना के भाव से क्यों दूर हो गए? क्योंकि हम सनातनी अपने धर्म की बात जब करते हैं तो कुछ परंपराएं, कुछ त्योहार को मना लेना ही धर्म समझते हैं। यानी हम वेदांत से, भगवत गीता से बहुत दूर हो गए। यदि आप एक बात और कर ले आपसे कि आप कश्मीर फाइल देख करके आए होंगे तो कहीं ना कहीं आपका नफरत का भाव उत्पन्न हो रहा होगा। तो मेरा अपना मानना है, और ये बातें हम किसी मोरल व्यू से नहीं कर रहे हैं, कि नफरत करने से आपका ताकत कमजोर होगा, क्योंकि ताकत नफरत में नहीं है। क्योंकि यदि आप नफरत करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी कमजोरी को भूलते हैं और अपने कमजोरी को दूसरे पर थोपते हैं। यानी आपके साथ जो घटना हुआ है उसके लिए आप दोषी दूसरे को ठहराते हैं और अपनी कमी को आप नहीं देखते। और ये बात हम मोरलिटी के आधार पर नहीं, स्पिरिचुअलिटी के आधार पर कह रहे हैं। जैसे कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जब तीर चलाने के लिए बोल रहे हैं तो उस समय कभी भी वो अर्जुन को ये याद नहीं करा रहे हैं कि द्रौपदी के साथ क्या हुआ, द्वितकीरा में क्या हुआ, दुर्योधन कितना निरंकुश था, ये बात कभी नहीं कह रहे। बस ये बता रहे कि तुम्हारा काम है, यदि तुम तीर नहीं चलाओगे तो अगला तुमको तीर चला देगा, यदि तुम नहीं मारोगे तो तुम्हें मार देगा। तो नफरत के भाव से, यानी ताकत नफरत में नहीं है, ताकत स्थिरता में है, ताकत आत्मबल में है। तो आपका काम क्या है कि आप अपने ताकत को बढ़ाएं, आप अपने बाजुओं में इतनी ताकत बढ़ाइए कि कल कोई भी आक्रमणकारी क्या करे, आप पर आक्रमण न करे, आपको रौदे नहीं, आपको मार के भगाए नहीं, या आपको पराजित न करे। इसको आप ऐसे समझिए कि आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम यदि कमजोर हो जाता है तो डिफरेंट टाइप के वायरस बैक्टीरिया आपको क्या करता है, अटैक करता है और आपको बीमारी से ग्रसित करता है। तो उस समय आप क्या करते हैं, वायरस को गाली देने जाते हैं, बैक्टीरिया को गाली देने जाते हैं, और गाली देंगे भी तो उससे कुछ होगा नहीं। तो किसी घटना विशेष में किसी से नफरत करने से नहीं होगा, ठीक है कोई होगा उसके लिए घटना का कारण, लेकिन उससे आपको सीख लेकर के आपको आत्मबल को बढ़ाना है, आपके बाजुओं को ताकत के बढ़ाना है। तो बाजुओं में ताकत आपको कैसे बढ़ेगा इस पर बात करते हैं। आप सनातनी, यानी हम सब सनातनी क्या हैं, विभिन्न जाति ऊंच नीच हम सब जानते हैं उसमें बने हुए। तो पहला तो काम यह करना होगा कि आप, ठीक है कुछ परंपराओं को निभाने के लिए आप जातिगत परंपराओं को निभाइए, लेकिन किसी खास मुद्दों पर जितने भी सनातनी हैं सबको आपको दिल से एक होना होगा। तो पहला क्या करना होगा कि सनातनी को एक होना होगा, दिल से एक होना होगा, और दूसरा सारे सनातनी को अपने वेदांत यानी अपने उपनिषद या फिर भगवत गीता के नजदीक जाना होगा। क्योंकि आप जो भगवत गीता के नजदीक जाएंगे तो आप में चेतना का भाव बढ़ेगा, क्योंकि आप पशु तो हो नहीं सकते। क्योंकि आप एक बात और गौर कर रहे होंगे कि हमारे जितना भी देवी देवता हैं, जितने भी हमारे अवतारी भूमि हैं, सबके हाथों में शस्त्र है, और वो शस्त्रों से हम लोग को कुछ क्या कर रहे हैं, ये बोध करा रहे हैं कि बल को बढ़ाना है। और बल आप याद रखिए कि केवल शारीरिक बल नहीं, शारीरिक बल तो केवल पशु का होता है, कहीं ना कहीं वो दूसरे बल की बात कर रहे हैं। शारीरिक बल के साथ साथ दूसरा बल का ज्यादा, चूंकि देह का जो ताकत होता है वो जानवर को भी बहुत ताकत होता है, लेकिन उसको मनुष्य के आराम से क्या करता है, उसको बंदी बना लेता है। तो वो चेतना का भाव को बढ़ाना होगा, और वो भाव बढ़ेगा कैसे, भगवत गीता के नजदीक जाने से। नैनं छिद्रति शस्त्राणि नैनं दहति पापकः, जब हम अपने आने वाली पीढ़ी को भगवत गीता के इस भाव से बोध नहीं कराएंगे, यदि हम ये भाव का बोध करा देंगे तो एक सच्चे सनातनी को कोई हरा ही नहीं सकता, मिट जाएगा लेकिन वो हार स्वीकार नहीं करेगा। यदि कहीं से किसी को मार के पिलगा दिया
समुदाय विशेष को, तो हार स्वीकार किया, उसमें आत्मबल नहीं रहा होगा। तो आत्मबल केवल कब बढ़ सकता है, जब हमारा चेतना बढ़ेगा, और चेतना बढ़ेगा हमारे अध्यात्म से। तो हम सनातनियों को बलशाली होना होना लगा। अब हम सबको पता है कि जब आप बलशाली होते हैं, यानी शांति के लिए बल का होना बहुत जरूरी है। यदि आपके पास बल है तो दुश्मन आपको कभी भी छेड़ता नहीं, और पता चल गया कि आप कमजोर है तो कोई भी आपको आके छेड़ देता है। यानी शांति के लिए बल होना बहुत जरूरी है, और बल कैसे आएगा, जब आप एक होंगे, और दूसरा जब आप गीता को आत्मसात करेंगे। तो आज की परिचर्चा को, आज की चर्चा को हम यही समाप्त करेंगे, और अध्याय 2 के 20वां श्लोक है, न जायते म्रियतेवा कदाचि, न जायते म्रियतेवा कदाचि, ना भूत्वा भवितेवा न भूये, अजो नित्यं शाश्वतोऽहं पुराणे, न हन्यते हन्यमाने शरीर। अर्थात इस श्लोक में आत्मा के कैरेक्टर को बताया गया है कि आत्मा न जन्म लेता है न जन्म लेगा, ये नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। अर्थात हमारे शरीर का नाश हो जाने के बाद भी आत्मा का नाश नहीं होता है। तो इस बोध के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, इस आशा में कि अगले वीडियो में हम लोग किसी अन्य विषय पर चर्चा करते हुए मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।